बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल करते हैं, ज्यादा सवाल तो यहीं से आए। चलो ठीक, पीवाईक्यू सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं जेई मेन 2020 के बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। पीवाईक्यू सीरीज में आज अपन बायो मॉलिक्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जानते हो कि ऑर्गेनिक के जो लास्ट के तीन चैप्टर है ना, कौन कौन से? बायो मॉलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनसीईआरटी पार्ट सेकेंड। ऐसा देखा जाता है कि ऑर्गेनिक से कहीं से क्वेश्चन आए या नहीं आए, इन तीनों चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन देखा जाता है। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स में जेई मेंस 2020 में किस तरह के सवाल आते हैं और कितनी रफ्तार से उनके साथ अपन खेल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सीरीज में बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल से पहला सवाल देखा जाता है भाई 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में, सुबह सवेरे की जो शिफ्ट थी उसमें पहला क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल का देखा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, मैच द कॉलम था, आपको एक साइड विटामिन दी गई थी और दूसरी उनकी डिसीज बताई गई थी कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है, उन्हें मैच करना था। आपको अलग अलग विटामिन दी गई थी, राइबोफ्लाविन थी, थियामिन थी, पाइरिडॉक्सिन थी एंड एस्कॉर्बिक एसिड थी। आपको बताना था कि इन विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि राइबोफ्लेविन है, दैट इज विटामिन B2, और विटामिन B2 की कमी से तो चिलोसिस होता है, विटामिन B2 की कमी से तो चिलोसिस होता है। आपको अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो यार, तो विटामिन और उसकी डिसीज का जो चार्ट है, जो टेबल है, वो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मिनिमम आप पढ़ो, चाहे आप फिजिकल की छोड़ दो, इनऑर्गेनिक की छोड़ दो, लेकिन ऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी है, दैट इज पार्ट सेकंड, क्लास 12 का जो पार्ट सेकंड है, उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं भाई, क्योंकि लगातार एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास राइबोफ्लेविन, दैट इज विटामिन B2, और विटामिन B2 की कमी से हमारे पास होती है चिलोसिस डिसीज। दूसरा है हमारे पास थियामिन, दैट इज विटामिन B1, और विटामिन B1 की कमी से क्या होगा भाई, बेरीबेरी डिसीज होने वाली है। थर्ड है हमारे पास पाइरिडॉक्सिन, दैट इज विटामिन B6, और विटामिन B6 की कमी से क्या होने वाला है, कॉन्वल्सन होने वाला है। हमारे यहां पे ध्यान रखना है, कॉन्वल्सन डिसीज जो है वो हमारे विटामिन B6 की कमी से होने वाली है। लास्ट है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज होती है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमारे सही ऑप्शन है, और ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको कहां पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1, यही मैच है भाई, करेक्ट। और ये हमें कहां पर मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन हमारे पास बायोमॉलिक्यूल से था। अब बात करते हैं कि 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में बायोमॉलिक्यूल से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से देखा जाता है भाई 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है भाई। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है आपके पास ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिडल या हेमी एसिडल स्ट्रक्चर। ग्लूकोनिक एसिड हेमी स्ट्रक्चर या एसिडल जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म कर सकता है, क्या फॉर्म कर सकता है, एसिडल स्ट्रक्चर के लिए जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो होना चाहिए, लेकिन ग्लूकोनिक स्ट्रक्चर का, ग्लूकोनिक एसिड का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो है नहीं है, अगर है नहीं है तो वो एसिडल या हेमी एसिडल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकता है, मतलब पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोनिक एसिड इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, कि जो ये जो ग्लूकोनिक एसिड है वो किससे बना है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑफ ग्लूकोज, ये सही बात है, क्योंकि अब जब आप ग्लूकोज का क्या करते हो, पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हो, किसके प्रेजेंस में, Br2 वाटर के प्रेजेंस में, तब आपका क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन है आपके पास, ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3। गलत बात है, हमें ग्लूकोनिक एसिड कहां से मिला है, जब हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया है विद द हेल्प ऑफ Br2 वाटर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन को देखो, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि ग्लूकोनिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, गलत बात है। ठीक है, जब आप ग्लूकोज का क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ HNO3, तब आपको मिलता है सैक्रिक एसिड, और सैक्रिक एसिड आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ना कि ग्लूकोनिक एसिड। मतलब फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो सही ऑप्शन चुनना था, तो सही ऑप्शन तो हमारा दूसरा है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन किया है विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर, तब हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला है भाई। ठीक है, तो ये भी NCERT से डायरेक्ट सवाल था, इस बात का ध्यान रखें कि NCERT जरूर पढ़ें बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है, तो ये सेकंड सवाल 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में देखा गया था। अब बात करते हैं ये तीसरा सवाल बायोमोलिक्यूल से किस तरह का हमारे पास आता है। क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आता है हमारे पास 8 जनवरी सुबह सवेरे की शिफ्ट, दैट इज मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज, कि भाई कौन सा स्टेटमेंट ग्लूकोज के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास था, द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू गिव ऑक्साइन, कि जो पेंटाएसिटेट होता है ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है और ऑक्साइन फॉर्म नहीं करता है। ये बिल्कुल सत्य बात है भाई, ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो बहुत सही है, स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब आप NCERT खोलते हो तो वहां पर जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ते हो, तो यहां पर पहला पॉइंट आपको यही देखने को मिलता है कि जो पेंटाएसिटेट होता है ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता और ऑक्साइन फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, ग्लूकोज गिव सिप्स, दूसरा ऑप्शन देखो भाई, ग्लूकोज गिव सिप्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, भाई ग्लूकोज सिप्स टेस्ट नहीं देता है, सिप्स बेस टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है, ये ध्यान रखें। तो जो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, गलत है भाई। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमें यही ढूंढना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब गलत है भाई। जो सही नहीं है मतलब क्या होगा, गलत ही होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो गया हमारे लिए, आंसर हो गया कि भाई ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरे ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं, तीसरा ऑप्शन गिवन है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा, बिल्कुल सही बात है, ये भी NCERT में लिखा हुआ है। और फोर्थ, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म ऑक्साइन, सही बात है, ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइन फॉर्म करता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करता है, ये भी सही बात है। ठीक है, ग्लूकोज तो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो पेंटाएसिटेट है ग्लूकोज का वो रिएक्ट नहीं करता है। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, हमारे लिए गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है, दैट इज ग्लूकोज गिव सिप्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, नहीं देता है, ये गलत ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन था। अब देखते हैं कि जो फोर्थ क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से जेईई मेन 2020 में किस तरह का पूछा था। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास बायोमोलिक्यूल से देखा जाता है भाई 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, टू मोनोमर्स ऑफ माल्टोज आर, कि माल्टोज के दो मोनोमर क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज, थर्ड ऑप्शन इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, एंड फोर्थ ऑप्शन इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी गैलेक्टोज।
जैसा आप जानते हो यार कि जो माल्टोज है वो डाइसैकेराइड है, मतलब दो मोनोसैकेराइड से मिलके बनी होती है। अब कौन से मोनोसैकेराइड से मिलके बनी हुई है तो उसे टेस्ट करना तो बड़ा आसान है। क्या करो कि माल्टोज लो, डाइसैकेराइड है, उसे उठाकर पानी में डालो, और जैसे ही पानी में डालोगे तो मोनोसैकेराइड यूनिट में टूट जाएगी। तो हमें माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना यार, तो हमें दो यूनिट मिलती है। कौन कौन सी? एक मिलती है अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरी भी क्या मिलती है? अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब एक बात तो साफ है कि जो माल्टोज होगा भाई वो डाइसैकेराइड है, मतलब दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना है। और यहां पर वो दो मोनोसैकेराइड यूनिट कौन कौन सी होंगी? अल्फा डी ग्लूकोज, ये दोनों आपस में जुड़ रही होंगी बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और आपका माल्टोज फॉर्म हो रहा होगा। तो यहां पर कुछ इस तरह से होता है। देखो ये आपके पास एक अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है, ये आपके पास एक अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है। होता क्या है कि यहां पर C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखा जाता है, यहां से OH वाटर का लॉस होता है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो ये जो लिंकेज बना है ना ये वाला, इसको क्या बोलते हो तुम? C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है इसे, ठीक है? तो स्पेलिंग गलत हो जाए तो थोड़ा सा भाई इग्नोर कर देना, ठीक है? कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है? स्पेलिंग को मत देखो, कॉन्सेप्ट को देखो थोड़ा सा। तो यहां पर क्या है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इस ग्लूकोज का C1 कार्बन और इस ग्लूकोज का C4 कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपका जो माल्टोज होगा वो दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बना होगा, और ये ऑप्शन आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से था। अब बात करते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से किस तरह का आता है। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि बायोमोलिक्यूल से जो भी क्वेश्चन आया है वो एनसीईआरटी से ही आया है। तो एनसीईआरटी को तो भाई पढ़ना है अच्छी तरीके से, ये ध्यान रखें, क्योंकि एनसीईआरटी से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल में किस तरह से पूछा गया। यार हमारे पास आता है भाई 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, इस क्वेश्चन में जितने जेई एस्पिरेंट्स थे वो अटके जरूर थे एक बार। अब उस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके देखेंगे। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, A, B and C are three biomolecules. The result of the test performed on them are given below. कि आपके पास A, B और C तीन biomolecules हैं, उन पे तुमने अलग अलग टेस्ट करे। मोलस टेस्ट आपने करा, बारफोइड टेस्ट आपने करा, और ब्यूरेट टेस्ट आपने करा है। कुछ ये टेस्ट पॉजिटिव दे रहे थे, कुछ नेगेटिव दे रहे थे। आपको बताना था कि A कौन सा हो सकता है, B कौन है और C कौन है भाई, ठीक है? अब बात करते हैं इन्हें थोड़े से टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। यार टेस्ट जो होता है आपका ब्यूरेट टेस्ट जो होता है वो यूज करा जाता है फॉर डिडक्शन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के डिडक्शन के लिए आप ब्यूरेट टेस्ट यूज करते हो, ठीक है? ब्यूरेट टेस्ट अगर पेप्टाइड बॉन्ड के डिडक्शन के लिए यूज हो रहा है तो एक बात तो साफ है कि जो कंपाउंड होगा उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होना जरूरी है। अब यहां पर आप देखो कि आपका जो सी जो है वो ब्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। सी अगर ब्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। अब जो सी ऑप्शन है, चार ऑप्शन देके रखे हैं सी, उनमें कौन कौन बताया गया? एल्बुमिन और एलानिन। एक बात सोचो यार, एलानिन जो है वो तो अमीनो एसिड है। अगर वो अमीनो एसिड है तो उसमें तो पेप्टाइड बॉन्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमीनो एसिड जुड़ेगा तब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा भाई। तो ये तो सिंगल अमीनो एसिड है, मतलब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। मतलब सी जो है वो एलानिन तो नहीं हो सकता। एलानिन जैसे ही नहीं होगा तो आपके दो ऑप्शन हट चुके हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा और ऑप्शन नंबर तीसरा, ये हट चुका है। मतलब अब आपका जो आंसर होगा वो या तो ऑप्शन पहला होगा या ऑप्शन चौथा होगा, ठीक है? क्योंकि सी जो होने वाला है वो एल्बुमिन होने वाला है, क्योंकि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है और ब्यूरेट टेस्ट तो यूज किया जाता है फॉर द डिडक्शन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब सी हमारा एल्बुमिन होने वाला, सी तो फिक्स हो गया। अब ए और बी की बात करते हैं। अब यहां पर देखो, दूसरा जो टेस्ट है वो है बारफोइड टेस्ट। बारफोइड टेस्ट जो होता है वो मोनोसैकेराइड्स देते हैं। बारफोइड टेस्ट जो है वो मोनोसैकेराइड देते हैं, ठीक है? अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो बी जो है वो क्या कह रहा है? बारफोइड टेस्ट वो पॉजिटिव दे रहा है। बी अगर बारफोइड टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है मतलब वो क्या होना चाहिए? मोनोसैकेराइड होना चाहिए। अब यहां पर देखो कि आपका पहला और चौथे ऑप्शन में फ्रक्टोज और ग्लूकोज भी देख रखा हुआ है और दोनों में मोनोसैकेराइड है, मतलब इससे तो ये
क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ए वाले को देखो, ए वाले में मोलस टेस्ट की बात कर रहे हैं। मोलस टेस्ट की अगर बात करें तो मोलस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट देते हैं। मोलस टेस्ट क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है मतलब ग्लूकोज ये टेस्ट दे देगा, ठीक है। अब अगर बात करें तो ए वाले को देखो, ए वाले में जब टेस्ट परफॉर्म करे गए तो ए वाले ने मोलस टेस्ट दिया है, ए वाले ने मोलस टेस्ट दिया है, इस बात से यह साबित होता है कि वो क्या होगा भाई, कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन उसने बारफोइड टेस्ट नहीं दिया है, बारफोइड टेस्ट नहीं दिया है मतलब वो क्या है भाई, मोनोसैकेराइड नहीं है, वो मोनोसैकेराइड नहीं है, क्योंकि ए वाले ने जो बारफोइड टेस्ट है वो क्या दिया है, नेगेटिव दिया है। अब बात करें तो ए जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, क्योंकि लैक्टोज ये वाला टेस्ट तो दे देगा मोलस टेस्ट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन बारफोइड टेस्ट तो नहीं देगा ना, क्योंकि बारफोइड टेस्ट तो मोनोसैकेराइड देते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होने वाला है, लैक्टोज, ए आपका लैक्टोज होने वाला है, बी आपका ग्लूकोज होने वाला है, और सी आपका एल्बुमिन होने वाला है। दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, बायोमोलिक्यूल से बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे बोलते हैं धांसू क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। कई सारों का दिमाग चकरा गया होगा, ये कौन सा टेस्ट आया है नया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था भाई, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हें वैरायटी वहां देखने को मिलती है कि इस साल क्या नया आया भाई, ठीक है। और नया चाहिए तो यहां आ जाओ, सब नया चलने वाला है इस बार, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन था भाई 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में, और इसी के साथ आपके जो जनवरी वाले पेपर थे बायोमोलिक्यूल्स के लिए वो हो चुके हैं समाप्त। अब बात करते हैं कि सितंबर शिफ्ट में बायोमोलिक्यूल से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, लेकिन सितंबर शिफ्ट की बात अपन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बाबाजी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।